बताना चाहता हूँ, अभी आज पहुँच चुके हैं इस्तांबुल में। वेदर बहुत प्यारा है। यस आई एम टू चे कम हियर। अभी कोई guys, welcome to Istanbul. Here we are at Sabiha Gökçen Airport. We have cleared the immigration, so we are on our way to outside and see what are the options for us to go to the city center. तो गाइस वेलकम टू इस्तांबुल सबीहा गोकचेन एयरपोर्ट। जैसा कि आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी आज पहुँच चुके हैं इस्तांबुल में। वेदर बहुत प्यारा है, क्लाउड्स बने हुए हैं, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। तो ये कुछ नज़ारा है बाहर का। वेदर इस टाइम तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग दुबई से आए हैं, ओवरनाइट फ्लाइट थी। तो वो देखो, वहाँ से वो अराइवल सेक्शन है और वहाँ से आप क्रॉस करके ये सामने बस स्टेशन है। और ये सिटी सेंटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, कैरीगॉय, टक्सिम, तो उधर के लिए जाती हैं बसेस। ठीक है, तो गाइस ये हमारी बस है। सो वी फाउंड द गाय हियर। यस I am Türkiye. Yes, come here. And big show. Da versene. No, you can change it up. You should tell abi, something about YouTube açacakmış. YouTube? Yes. Oğlum. YouTube. Guys, abi hum ye hawa bus mein baith chuke hain. Theek thaak luxury bus hai. To kuch facility bhi dikha deta hu. I think it's the abhi time hua hai 8:22 and this bus starts at 9:30. It's around 1 hour and 30 minutes from airport to Taksim Square. And these yellow buses over there are city buses in Sabiha. So guys, Istanbul airport se ye hawa bus ka jo station hai, यहाँ से हमने टक्सिम के लिए बस ली। और टक्सिम जो कि सिटी सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, तो वहाँ तक की आपको बस बड़ी इजीली मिल जाती है। और जिसका जो किराया 50 लीराज होता है, जो कि लगभग इंडिया के 250 रुपीज़ बनेगा। गाइस, आप सब जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि तुर्की जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा चाहिए, तो वो उसका प्राइसिंग क्या है, कितने टाइम में मिलता है, टिकट्स के क्या ऑप्शन है, तो मेरा ब्लॉग देखते रहिए, बीच बीच में सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइस, तकरीबन 1.5 आवर स्पेंड करके आप एयरपोर्ट से टक्सिम स्क्वायर पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा होटल है, ये नंबर 11 होटल, ये बिल्कुल इस्तिक्लाल स्ट्रीट, वन ऑफ द हैपनिंग स्ट्रीट इन द इस्तांबुल। जो टूरिस्ट आते हैं सब इसी जगह घूमते हैं, तो हमारा होटल इसी जगह पर था। तो ये पहला नज़ारा देखिए इस्तिक्लाल स्ट्रीट का। जब हम पहुँचे तो वेदर काफ़ी विंडी, रेनी और कोल्ड था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये इस्तांबुल में बहुत सारे नज़ारे आसपास में देखने को हैं। जो जिस जगह पर हम आए हैं, ये सबसे फेमस इस्तांबुल में, इसका नाम है गलाटा टावर। पुराने टाइम में इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, क्योंकि बिल्कुल सी के पास में है, तो व्यूइंग के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो रेनी डे है, फिर भी आप देख रहे हो कि इतना रश ऑफ टूरिस्ट है कि टिकट लेने के लिए लाइन है। तकरीबन वेटिंग टाइम 1.5 आवर है। तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं, ऊपर जाके आप
सिटी का स्प्लेंडेड व्यू देख सकते हैं। ये कुछ हिस्ट्री है गलाटा टावर की, आप पढ़ सकते हैं। और भाई जी, अगर इस्तांबुल आते हैं ना, तो एक बारी वेदर ज़रूर चेक कर लें। 90-80% जो प्रेडिक्शन जो है इनकी ठीक है, खास करके रेनी नहीं होना चाहिए, तो आपको अपनी छतरी रेनकोट का बंदोबस्त करके आना चाहिए। तो हमने वेदर प्रेडिक्शन चेक की थी, पर हमारे पास बिल्कुल लास्ट टाइम पर इस चीज़ का ऑप्शन नहीं था, तो हमें वहाँ जाते ही ये छतरी लेनी पड़ी। गाइस नज़ारा लीजिए इस्तांबुल की ऊंची नीची गलियों का। इस्तांबुल सिटी का ये फ़ायदा है कि अगर आप थोड़े से भी वॉकर हो, अगर आप 2-3 घंटे वॉक कर सकते हो, तो तकरीबन 2-3 घंटे के जो है ट्रैवलिंग टाइम में आप काफ़ी नज़ारे देख सकते हो। काफ़ी ऊंचा नीचा है तो थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है, बट अगर आप सितंबर अक्टूबर के बाद जाएं और जनवरी फरवरी तक, तो ठंड में मज़ा आता है और चलने में अच्छा लगता है। टैक्सी के बारे में एक ज़रूरी चीज़ बताता हूँ कि भाई टैक्सी वालों से अगर आप ध्यान से बात नहीं करोगे तो वो फेयर्स कुछ भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा रेनी डे है तो हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं थी, बाकी ठीक चल रहा है। अभी कोई आएगी ट्रेन तो आपको दिखाते हैं। मौसम तो आना है करीबन 18-19 डिग्री टेम्परेचर है, अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे आपको शायद ब्लू मॉस्क और हैगा सोफिया के व्यूज़ भी दिख रहे होंगे। जो गाइस यूरोप वाला नज़ारा जो अगर आपने देखना है ना, तो इस्तांबुल में आ जाइए और जब ये रोड के ऊपर ये कलरफुल ट्रैम्स चलती हुई दिखती हैं, तो आधा स्विट्जरलैंड तो इधर ही दिख जाता है। और ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर ये फेरीज के स्टेशन हैं, जिसमें कुछ कम्यूटर फेरीज हैं और कुछ टूरिस्ट फेरीज हैं, जो आपको डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट आवर्स की ड्यूरेशन में पूरी की पूरी इस जो स्ट्रेट में घुमा के लाती हैं। हमने भी एक क्रूज़ का एंजॉय किया था। वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है और वॉकर्स के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, पाथवेज बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे नज़ारे हैं इस्तांबुल में, तो बारी बारी करके सब कुछ दिखाएंगे। बने रहिए मेरे अगले व्लॉग में, तो देखिए कैसे हम गलाटा ब्रिज से एशिया साइड में गए, जहाँ पर आपको जो वन ऑफ द फेमस ग्रैंड बाज़ार, सुल्तान अहमद, ब्लू मॉस्क और भी बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो गाइस कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लुक एट माई नेक्स्ट व्लॉग, which will be coming very soon. Thanks.